आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आखिर आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में है या फिर आप पंजाब नेशनल बैंक की हिस्ट्री निकालना चाहते हैं, यानी कि खाते की हिस्ट्री, पंजाब नेशनल बैंक की हिस्ट्री नहीं, जो भी आपका पंजाब नेशनल बैंक में खाता है उसकी आप लेन देन की जो हिस्ट्री है वो निकालना चाहते हैं तो किस तरीके से निकाल पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अपने ही मोबाइल से, ठीक है, जो कि आप एक ही बार क्लिक करने से और आप एक साल तक का डाटा यहाँ पर निकाल सकते हैं कि आखिर कौन कौन से ट्रांजैक्शन हुए हैं, किस किस डेट में, बिना बैंक जाए हुए, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है पर कुछ लोगों को नहीं पता है, तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर किस तरीके से हम हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर आप एक साल से आगे की देखना चाहते हैं तब भी देख पाएंगे, ठीक है। इसी के साथ में आप किसी को हिस्ट्री को भेज भी सकते हैं, तो ये सारे काम किस तरीके से कर पाएंगे चलिए जान लेते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर में आपको यहाँ पर लिख देना है PNB, ठीक है, PNB1 एप्लीकेशन लिखेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगी, आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इस पर आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं और रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, अगर आपके पास ATM कार्ड है तो आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप बैंक जाकर भी यहाँ पर इसे ID को यहाँ पर लॉगिन करा सकते हैं और अपने मोबाइल में इसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका यह है, अगर आपके पास ATM कार्ड नहीं है और आपके पास समय नहीं है तब भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, आपके पास पासबुक होना चाहिए और सारे काम आप खुद ही कर लेंगे घर बैठे ही, ठीक है। आपके पास सिर्फ पासबुक होना चाहिए, ठीक है, जो कि वहाँ पर एक कस्टमर ID लिखी हुई होती है, तो वो कस्टमर ID की ज़रूरत पड़ेगी आपको सारे ट्रांजेक्शन चेक करने के लिए, ठीक है। आपको प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में लिखना है mPassbook PNB, ठीक है। तो वहाँ पर आपको mPassbook नाम से आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगी, वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद में आपको वहाँ पर लॉगिन कर लेना है, ठीक है। लॉगिन करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको अपनी पासबुक उठाएंगे, पासबुक पर आपको कस्टमर ID देखने को मिल जाएगी, वो कस्टमर ID डालकर और अपना वहाँ पर MPIN बना लीजिएगा और आप उसमें ही ट्रांजेक्शन को चेक कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी दूसरा तरीका तो मैं आपको इसमें बता ही रहा हूं, ठीक है। तो मैं यहां पर PNB1 एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। मैंने यहां पर अपना जो MPIN है वो मैंने एंटर कर दिया है, चलिए हम कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक करते हैं और यहां पर TPIN आ जाता है, हम इसे स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहां से ओके कर देता हूं। ओके करने के बाद में आपके सामने कुछ एप्लीकेशन है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ओपन हो जाएगी। इसमें यह है कि आपको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, जैसे कि पैसे ट्रांजैक्शन करना, और आपको बहुत सारी सुविधाएं हैं जो कि आपको इसमें देखने को मिल रही हैं, तो ये सारे काम आप यहीं से ही बैठे बैठे कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आखिर ट्रांजेक्शन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर मिल जाती है mPassbook, जो कि देख सकते हैं इसमें वो ऑप्शन यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अकाउंट सेलेक्ट करना है, किस अकाउंट के आप ट्रांजैक्शन चेक करना चाहते हैं। इसी के साथ में ट्रांजैक्शन पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, आप कितने समय से कितने समय के लिए यहाँ पर चेक करना चाहते हैं, ठीक, साल तक का हम यहाँ पर निकाल सकते हैं अभी, ठीक है। इसी के साथ में आप यहाँ से डेट के हिसाब से निकालना चाहें, ट्रांजैक्शन चेक करना चाहें, ठीक है। होता क्या है एक्चुअली में, हम ट्रांजेक्शन निकालते कब, जब हमें लगता है कि हमारे पैसे ज़्यादा कटे हैं या फिर हम भूल चुके हैं कि आखिर हमने किस व्यक्ति को वहाँ पर कितने पैसे पे किए थे, और अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है तो आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ मेरे भी साथ हुई थी और मैंने फिर ट्रांजेक्शन निकाले और उसके बाद मैंने सारा पैसा जोड़ा तो मुझे लगा कि हाँ मैंने इतना पैसा वहाँ पर पे किया है, ठीक है, कुछ समय बाद। तो चलिए हम सर्च पर हम सिंपली क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी ये जो काम है वो इसमें प्रोसेसिंग में चल रहा है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियोस को लाइक नहीं किया तो वीडियोस को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ठीक है। देख सकते हैं हिस्ट्री हमारे सामने यहाँ पर लिख कर आ चुकी है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने पैसे हमने ट्रांजेक्शन किए हैं, कितने यहाँ पर निकाले हैं, कितने यहाँ पर क्या क्या किया है, वो आप यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर देख सकते हैं स्टेप बाई स्टेप, ठीक है। और इसी तरीके से आप यहां पर निकाल सकते हैं। इसके बाद में अगर आपको ये ट्रांजैक्शन किसी को PDF फाइल में भेजना है तो वो भी आप यहां पर भेज सकते हैं। यहां पर आपको नीचे में देखने को मिल रहा है डाउनलोड PDF फाइल, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहां पर ये बोल रहा है ऑन क्लिक पासवर्ड प्रोडक्ट, ठीक है, और यहां पर PDF फाइल विल डाउनलोड, कहने का मतलब है जो आपकी PDF फाइल डाउनलोड होगी वो प्रोडक्ट होगी, यानी कि उसमें आपको पासवर्ड एंटर करना होगा। अब पासवर्ड क्या है, जो आपका अकाउंट नंबर है वही आपका पासवर्ड होगा, ठीक है, ये काफ़ी अच्छी इसके अंदर वो दे दी है, ठीक है। चलिए हम इस पर डाउनलोड PDF फाइल पर सिंपली क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड हो जाएगी ड्राइव में जाकर, ठीक है। उसके बाद में हमें आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डालना है, जो कि मैंने आपको बता दिया है, वो अकाउंट नंबर डालेंगे और ये PDF फाइल ओपन हो जाएगी। उसके बाद में आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं, कस्टमाइज करने के बाद आप यहाँ पर किसी को भेज भी सकते हैं, जो ट्रांजेक्शन किसी को दिखाना है तब, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और आपको नई नई तकनीकियाँ और भी सीखना है तो मेरी वेबसाइट पर जाकर आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको आर्टिकल मिल जाएंगे जो कि आप नई नई तकनीकियाँ सीख सकते हैं आर्टिकल को पढ़कर।